दोस्तों, जब मैं फ़ोन पर लोगों के साथ पर्सनली बात करता हूँ तो कई लोगों ने मेरे साथ अपनी ये प्रॉब्लम शेयर की है कि हमारा पार्टनर तो हमें बहुत ज़्यादा प्यार करता है, लेकिन उनके घर वाले हमारी शादी के लिए रेडी नहीं हो रहे, इसलिए अब मेरा पार्टनर भी मुझसे शादी करने के लिए मना कर रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में आप ऐसा क्या कर सकते हो कि किसी भी कंडीशन में आपका पार्टनर आपके साथ शादी करने के लिए एग्री हो जाए, राजी हो जाए। दोस्तों, आपके पास यहाँ पर एक ही रास्ता बनता है और इस वीडियो में मैं आपको वही समझाने वाला हूँ, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से समझने की कोशिश करना। दोस्तों, किसी भी रिलेशनशिप में जब ये इश्यू क्रिएट होता है कि आपके पार्टनर के पेरेंट्स एग्री नहीं होते शादी के लिए, तो क्या होता है, आपका पार्टनर भी अपने पेरेंट्स को मनाने के लिए बहुत कोशिश करता है, और आप क्या होता है कि डायरेक्टली उनके पेरेंट्स को नहीं मनाते, आप अपने पार्टनर को प्रेशर करते हो कि भाई थोड़ा ये ट्राई करो, हिम्मत देते हो, थोड़ा सा आइडिया देते हो। तो आपका पार्टनर ये कह रहा है कि भाई हमारे घर वाले नहीं मान रहे, तो कोशिश करेगा और उनके पेरेंट्स उनको इमोशनल ब्लैकमेल करेगा, तो आपका पार्टनर उनके सामने गिव अप कर देगा और उनको लगता है कि नहीं, मेरे पेरेंट्स यार एग्री नहीं करेंगे। जब वो मेंटली ऐसा मान लेते ना, हो सकता है कि पॉसिबिलिटी अभी भी हो, लेकिन उसने ट्राई करके देख लिया और उसको ऐसा लगा कि नहीं, पेरेंट्स नहीं मानेंगे, ये ब्लैकमेल कर रहे हैं, मर जाएंगे, ऐसा हो गया तो उसने गिव अप कर दिया। उसके बाद आप अपने पार्टनर को जितना भी समझाओगे ना, वो इस बात को ना एग्री नहीं करेगा। जैसे कई बार मेरे वीडियोस में मैं लोगों को कहता हूँ कि आपको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, बट उन्होंने थोड़ी सी भी ट्राई की होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दो दिन बात नहीं करते और उनको लगता है कि दो दिन बात नहीं की और फ़ोन नहीं है ना, तो इसका मतलब कुछ होता ही नहीं होगा। मतलब क्या है कि उसने अपने लेवल पर कोशिश करके देख ली और अपने लेवल पर कुछ नहीं हुआ ना, तो उनको लगता है कि नहीं, ये एंड है। बट आपको अभी भी पॉसिबिलिटीज लगती है, इसलिए आप क्या करते हो, यहाँ से उनको समझाने के लिए कहते हो, थोड़े से आप हो सकता है कि उनको फोर्स करो, उनके सामने रो। तो आपका जो पार्टनर होता है ना, वो दोनों तरह से पीछने लगता है। वहाँ पर क्या हो रहा है कि उनके पेरेंट्स भी समझने की कोशिश नहीं करे और उनको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आप भी उनको समझने की कोशिश नहीं करे। अब जाहिर सी बात है कि आपको भी बुरा लगता होगा, बट आपके पार्टनर को भी उतना लगता है। बट इस केस में क्या होता है कि आपका पार्टनर अपने पेरेंट्स के सामने रिएक्ट नहीं कर पाएगा, बट आपके सामने ना रिएक्ट करेगा, क्योंकि उनके हिसाब से तो अब कुछ हो नहीं सकता, उसने ट्राई कर ली, फिर भी आप प्रेशर करो तो उनको लगता है कि आप उनके साथ जबरदस्ती करो, फोर्स करो। ज़्यादातर लोगों के ना रिलेशन इस स्टेज पे आके ख़त्म हो जाते हैं, फाइनल ब्रेकअप हो जाता है। सबसे पहली चीज़ आप याद रखो कि आपके पार्टनर को ऐसा लगना नहीं चाहिए कि आप उनको फोर्स कर रहे हो। अगर आपका पार्टनर ये कहता है कि भाई सॉरी, मैं प्यार तो बहुत करता हूँ, देख ले, बट मेरे पेरेंट्स नहीं मान रहे, ठीक है, तो आपको ये नहीं करना चाहिए कि यार तू कुछ भी करके के, तूने तो कमिटमेंट दी था, ये वो, किस भी तरह से आरोप लगाना, ब्लैकमेल करना, कुछ भी प्रेशर क्रिएट मत करिए, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। ऐसा करने से आपका कोई भी वे नहीं बनेगा। आपको अपने पार्टनर को सिर्फ इतना ही कहना है कि अगर नहीं हो सकता तो हमें नहीं करने चाहिए। और ये बात ज़्यादातर लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनको लगता है कि हम हार मान लेंगे तो वो थोड़ी ना करेगा, बट आप फोर्स करोगे तो भी वो नहीं करेगा, उल्टा आप दोनों का झगड़ा हो जाएगा। अब दोस्तों, समझने वाली बात ये है कि ऐसी सिचुएशन में अगर वो गिव अप करता है और आपके साथ शादी नहीं होती तो दोनों को बुरा लगता है, लेकिन आप फेल करोगे कि उस इंसान को उतना बुरा नहीं लग रहा है। क्यों? क्योंकि वो गिव अप कर रहा है और अभी भी आप गिव अप नहीं कर रहे हो। कहीं ना कहीं उसने माइंडसेट इस रिश्ते से मूव ऑन करने के लिए बना लिया है और आपने नहीं बनाया। बाकी तो दोनों ही प्यार करते थे, दोनों को बुरा लगना चाहिए। अब आगे मैं आपको बताऊंगा कि एग्जैक्टली आपको क्या करना चाहिए। उससे पहले ना, मुझे ऐसी एक बहुत ही अच्छी रिलेशन की स्टोरी याद आ रही है, जो एक रियल रिलेशन की स्टोरी है, जहां पर लड़की के पेरेंट्स नहीं मान रहा था, लड़का यहां पर फोर्स कर रहा था कि भाई अपने पेरेंट्स को कह शादी के लिए मना अपने पेरेंट्स को। तो लड़की ने ट्राई की अपने पेरेंट्स के सामने, बट उनके पेरेंट्स नहीं माने, तो लड़की हार गई। उसने लड़की को बोल दिया कि भाई मेरे पेरेंट्स मानेंगे नहीं शादी के लिए, और मतलब यहाँ पर हमारा रिलेशन ख़त्म होना चाहिए। तो उस लड़के ने फिर भी फोर्स करना चालू ही रखा उस लड़की को, बट उस लड़की ने इस लड़के के ज़्यादा फोर्स करने के कारण इससे बात करना बंद कर दिया। अब लड़का और कर भी क्या सकता है, वो लड़की बात ही करना नहीं चाहेगी। तो उसके बाद हुआ ये कि एक आध महीना ऐसे ही चला गया, तो बात एकदम ठंडी हो गई, ब्रेकअप हो गया, लड़के ने भी मान दिया। तो एक महीने में ना लड़के को टाइम मिला सोचने का, समझने का, और उसको लड़के की याद आने लगी। उस लड़की ने फील किया एक महीने में कि भाई मैं उस लड़के के बिना तो रह ही नहीं सकती। अब वो वापस उस लड़के के पास आती और कहती कि मैं अपने पेरेंट्स को कुछ भी करके मनाऊंगी, चलो हम शादी करते हैं। अब ये बात अलग थी कि एक महीने बाद ये लड़का शादी करना नहीं चाहता था, उसके अपने रीज़न थे। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर भी अगर आप देखो तो पहले लड़का फोर्स कर रहा था, बट लड़की ने कोशिश करके देख लिया था ना, इसलिए लड़की को लगता था कि आगे कुछ हो ही नहीं सकता, उसने गिव अप कर दिया था। लड़का कितना भी फोर्स कर रहा था,
उसको ना जबरदस्ती लग रही थी, इसलिए उसने उस लड़के से बात करना भी बंद कर दिया था। बट एक महीना वो ऐसे ही बैठी ना, तो उसको अपने आप याद आने लगी लड़के की। उसको खुद को फील हुआ कि यार उसके बिना तो मैं रह नहीं सकती। अब क्या हुआ कि लड़के ने वापस उस लड़की को ना इसलिए बोला क्योंकि उसका ईगो हट हुआ कि भाई जब मैं बोल रहा था तब तुम शादी करने के लिए राजी नहीं थी। तो एक्चुअल में ना लोग ऐसी चीज़ों को ना चैलेंज के तौर पर ले लेते हैं। कोई नहीं चाहता कि कोई फोर्स करे मुझे शादी करने के लिए। लोग ये चाहते हैं कि जब मैं चाहूँ ना तब हो जाए चीज़ें। वो चीज़ें तभी होती है जब दोनों को एग्जैक्टली शादी के लिए वो चीज़ फील होनी चाहिए कि हम एक दूसरे से अलग नहीं रह सकते। इसलिए सबसे पहली चीज़ फोर्स मत करो। दूसरी चीज़, उस इंसान को टाइम दो मिस करने के लिए। अगर तुम्हारा पार्टनर ऐसा कहता है और वो तुम्हें प्यार करता है और वो ऐसा कहता है कि पेरेंट्स नहीं मानेंगे, मैं तो चाहती हूँ और तुम्हें पता है वो प्यार करता है, तो उस इंसान को टाइम दो। जब वो मैटर ठंडी हो जाएगी, तुम उसके ऊपर गुस्सा नहीं करोगे, कोई आरोप नहीं लगाओगे, कोई झगड़ा नहीं होगा, तुम दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट उसको एक टाइम मिला है, अब उसमें सोचेगा, जाहिर सी बात है वही थॉट उनको आने हैं जो आपको आ रहे हैं, तो उनको चीज़ समझ में आने लगेगी। एक टाइम के बाद कम्युनिकेशन आपका थोड़ा सा कम हो गया ना, तो एक बात उसको समझ में आने लगेगी कि भाई क्या चीज़ें होगी और आगे लाइफ कैसी होगी। अभी साफ साफ उसको दिख रहा है कि शादी तो होगी नहीं, तो इमेजिन करेगी कि आपके बिना वो कैसे रह पाएगी। तो इस टाइम पे बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है कि उस इंसान को ये चीज़ें फील हो कि आपके बिना लाइफ कैसे होगी। तो इसके लिए लड़ने झगड़ने का कोई ये टाइम नहीं है, टाइम है उसको फील करने दो भाई कि तुम्हारे बिना भी उनकी लाइफ क्या होगी। वो चांस तो दो, कई बार लोग यही चांस नहीं देते, और बहुत ज़्यादा प्यार करने वाला इंसान भी उससे लड़कर अलग हो जाता है। दोस्तों तीसरी और आपके इस सिचुएशन की प्रॉब्लम को चेंज करने वाली गेम चेंजर चीज़ होती है, वो उस इंसान को ऐसा फील कराओ कि भाई आप इस रिश्ते से मूव ऑन कर रहे हो, आप अपनी लाइफ में नॉर्मल हो रहे हो, उनके बिना आप अपनी लाइफ में आगे बढ़े और खुश हो। आप कह रहे हो कि यार ये चीज़ क्या, जो इंसान हमारे साथ शादी नहीं कर रहा, प्यार करते हुए भी हमारे साथ शादी करने के लिए राजी नहीं हो रहा, वो तो यही तो कह रहा है। और कई लोगों के पार्टनर उनको यही कहते हैं भाई तुम मूव ऑन करो, अच्छे से अपनी लाइफ जियो और लाइफ में आगे बढ़ो, यही तो कई लोगों के पार्टनर कहते हैं, जो कि मैं भी आपको ये कह रहा हूँ कि आप एग्जैक्टली वैसा करो। ठीक है, उनके साथ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, उनको टाइम दो, उनको बोलो कोई बात नहीं, अगर नहीं हुआ तो आगे बढ़ते हैं। बट एक चीज़ याद रखो कि ऐसा कुछ करो कि वो इंसान आपको ऑब्जर्व कर पाए कि आपकी लाइफ में हो क्या रहा है। उनको धीरे धीरे ऐसे दिखाओ कि भाई रूटीन आप अपनी लाइफ जी रहे हो, अपने दोस्तों के साथ आप जो अपना काम ठीक है अच्छे से रह रहे हो, और आपके बिहेवियर को और अपनी चीज़ों को ऑब्जर्व करके उस इंसान को लगे कि यार ये मुझे भूल गया है। तो इसमें क्या होता है पता है, 20 या 25 दिन का जितना टाइम होता है ना, तब अगर आप दोनों की बातचीत बहुत कम होगी तो एक ऐसा टाइम होता है कि सामने वाला इंसान आपको बहुत बुरी तरह से मिस करेगा। तो सोशल मीडिया वगैरह बहुत सारी जगहों पे आपको ऑब्जर्व करेगा और जानने की कोशिश करेगा आपकी लाइफ में क्या हो रहा है। और जब आप किसी भी इंसान को ऐसे दिखाते हो कि भाई इतने टाइम में आप इतने जल्दी उनको भूल रहे हो और उनके बिना खुश रहने लगे हो और आपको फ़र्क नहीं पड़ता, तो प्रॉब्लम ये होता है कि वो इंसान तो 20 25 या 28 दिन के टाइम पे बहुत बुरी तरह से आपको याद करता है, और उनको लगता है कि यार ये इंसान इतना जल्दी खुश होने लगा, तो उनको ये लगता है कि अलग होने से ज़्यादा प्रॉब्लम उनको हो रही है, आपको नहीं हो रही। तो ऐसा शो करने से इमोशनल नीड और एक इमोशनल जेलेसी क्रिएट होती है, जिससे वो आपके और ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे और उनकी नीड भी आपके लिए क्रिएट होगी। तब उनको ये फील आएगा कि ये इंसान मुझे किसी भी हाल में अपनी लाइफ में चाहिए ही चाहिए। ऐसा दोस्तों कई बार होता है कि कुछ लोग ना राजी नहीं होते, उसके पार्टनर की एंगेजमेंट कहीं और हो जाती है, शादी कहीं और हो जाती है, वो कहते हैं कि नहीं पॉसिबल नहीं है, बट जैसे एंगेजमेंट हो जाती है वो सामने वाला इंसान अपने पार्टनर को भूलने लगता है और खुश होने लगता है ना, तो जो लोग एग्री नहीं होते ना वो लोग बहुत ज़्यादा तड़पते हैं और बाद में आके कहते हैं कि कुछ भी करके वापस मेरी लाइफ में तो अपनी ये एंगेजमेंट शादी छोड़ दे, जो कि बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि तब वो आपको ऑब्जर्व करते हैं तो वो देखते हैं कि यार ये इंसान तो भूल गया, इंसान तो अपनी लाइफ में आगे बढ़ गया और मेरे बिना खुश है, तो जो वो खुद कहते थे कि तू खुश रहे आगे बढ़ जा, उनके लिए आपकी नीड इतनी बढ़ जाती है, इमोशनल नीड और जेलसी इतनी बढ़ जाती है कि उनको ऐसा फील होता है कि इस इंसान के बिना लाइफ ही बेकार है, इसलिए वो हर कोशिश करेंगे। इसलिए ऐसे सिचुएशन में ध्यान रखना कि आप ये सब कुछ करके सामने वाले इंसान को इमोशनली बहुत ज़्यादा एक्टिव कर सकते हो। जब कोई इंसान बहुत ही ज़्यादा इमोशनली एक्टिव हो जाता है तब उस इंसान के अंदर बहुत ही ज़्यादा विल पावर आ जाता है कुछ भी करने की, आपको पाने की जो उनकी विल होती है, डेयरिंग होता है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और तब वो एक्शन ले सकता है जो नॉर्मली अपने पेरेंट्स के सामने अगेंस्ट नहीं कर सकता, इमोशनली एक्टिव होने के बाद इंसान कर सकता है। और आप देखो कि जब इंसान इमोशनली बहुत ही ज़्यादा
एक्टिव हो जाता है, जैसे कि गुस्सा है, लोग गुस्से में कुछ भी कर सकते हैं किसी के साथ भी। जब बहुत ज़्यादा प्यार हो जाता है इंसान को, तब ये इमोशन हाईली एक्टिव हो जाते हैं ना, तभी लोग इतने बड़े साहस कर सकते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि आप कुछ मत करो, सिर्फ अपने पार्टनर को टाइम दो और उनको ऐसा शो करो ताकि वो इमोशनली बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाए और आप जो चाहते हो रिलेशन में वो चीज़ वो सामने से कहें। लेकिन अगर आप बात करोगे और फोर्स करोगे तो क्या होगा? फाइटिंग। दोस्तों, अगर आपके रिलेशनशिप में ज़्यादा प्रॉब्लम है, आप पर्सनली हमारे साथ बात करना चाहते हो या मेरी लिखी हुई ईबुक को डाउनलोड करना चाहते हो, तो उनके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।